दोस्तों नमस्ते, पूनम्स रसोई 24 में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काले चने का सब्जी, जो कि सब्जी तो बहुत तरीके से बनता है, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। आज ये तरीका देखिए आप और देखिए किस तरह से बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बनाना। देखिए चना लिए हैं जिसको कि हम रात भर इसको भींगो के रख दिए थे, इसको अच्छे तरह से धो करके साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद हम लेंगे 5-6 प्याज लेंगे, जिसको कि पतला स्लाइस में या फिर रफली किसी तरह से किसी भी शेप में काट लीजिए। उसके बाद हम लोग लेंगे कुछ सूखे मसाले और खड़े मसाले, जिसमें हल्दी पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच से भी कम गोल मिर्च पाउडर, कुछ खड़े गरम मसाले हैं और 1 चम्मच भर के जीरा है। जीरा पाउडर हम नहीं लेंगे, खड़ा जीरा लेंगे। 2 सूखा लाल मिर्च है और 3 तेज़पत्ता है। इसके बाद हम लेंगे देखिए 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, 2 टमाटर लिए हैं जो कि बिल्कुल पका हुआ है रेड कलर का, इसके लिए हम मोटा मोटा काट लिए हैं, और थोड़ा सा धनिया पत्ता। चलिए शुरू करते हैं बनाना। और आधा हम लोग नींबू लिए हैं, बड़ा नींबू आधा है, इसको भी हम लोग इसको यूज़ करेंगे इसमें। देखिए अब हम लोग ले लिए हैं 1 बड़ा बाउल, इसमें हम लोग डाल देंगे चना, इसके अंदर हम लोग डालेंगे प्याज। देखिए ये सारे सूखे मसाले और खड़े मसाले हम लोग इसी में डालेंगे, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से हम लोग बना रहे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसी में जाएगा, नमक भी सब्जी के अनुसार हम डालेंगे उसी अंदाज से, हम लोग को दोबारा नहीं डालना है। टमाटर भी डालेंगे, धनिया पत्ता भी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता रख दीजिएगा गार्निशिंग के लिए। और देखिए इस नींबू में से बीज निकाल के इसका रस हम इसमें डालेंगे। अभी सबको हम लोग अच्छे से मिक्स कर देंगे चम्मच की हेल्प से, या फिर हाथ के हेल्प से नहीं करेंगे, चम्मच से ही हम लोग इसको मिक्स करेंगे बढ़िया से। अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब सरसों तेल डालेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर चढ़ा दिए हैं और इसमें 2 चम्मच सरसों तेल लिए हैं, जो कि अच्छे से गर्म हो चुका है। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये सब्जी बना रहे हैं, इस तरह से आप लोग बनाइएगा सब्जी तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, बहुत अच्छा सब्जी ये बनता है, इसका बिल्कुल टेस्ट अलग लगेगा आपको। अब इसमें हम लोग ये सारा मैरिनेट किया हुआ चना डाल देंगे, इसको हम लोग 20 से 25 मिनट तक ले मैरिनेट करने के लिए छोड़ेंगे, ताकि सारा मसाला अच्छे से ऑब्जर्व कर जाए। अगर टाइम नहीं है आपके पास 10 मिनट भी रख सकते हैं, लेकिन 10 मिनट भी कम से कम हम लोग इसको रखेंगे। सारा चना इसमें हम डाल देंगे, इस तरह से हम लोग सारा चना और प्याज का मिक्स किया हुआ इसमें डाल देंगे और आराम से इसको हम चलाएँगे। अभी गैस का फ्लेम हम लोग का हाई ही रहेगा, तो बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसको आराम से 2-3 मिनट हम लोग हाई टू मीडियम करके इसको हम लोग भूनेंगे कवर करके, ताकि इसमें से पानी रिलीज हो जा सके। देखिए 3 मिनट हो गया है हम लोग को हाई टू मीडियम पे रखते हुए, अब इसको हम चला लेते हैं। देखिए अच्छे से भुना रहा है और इसमें से देखिए पानी भी छूट रहा है प्याज का, इस तरह से इसको आराम से मीडियम पे हम भुनेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसका धीरे धीरे प्याज का पानी छूटेगा, इसमें हम लोग पानी नहीं डालेंगे ऊपर से, इसी में हम लोग इसको भूनना है बढ़िया से आराम से। अब हम लोग मीडियम टू लो करके इसको भूनेंगे, क्योंकि 3 मिनट हम लोग हाई टू मीडियम करके भुने हैं, अब हम लोग लो टू मीडियम करके इसको भूनेंगे चना को, इसी में कुकर में ही अच्छा से कवर करके। अब हम इसको कवर कर दे रहे हैं फिर से 2-3 मिनट के बाद में इसको हम लोग फिर से चला देंगे, ताकि बीच में चिपके नहीं अंदर। इससे देखिए प्याज नरम हो रहा है और हम लोग इसको जब तक भून देंगे तब तक प्याज बिल्कुल गल ना जाए, प्याज का पानी छूट जाना चाहिए बिल्कुल ग्रेवी जैसा।
पूरा प्याज सॉफ्ट होकर के नरम हो जाए, बिल्कुल गल जाए, तब तक हम इसको भुनेंगे। तो फिर से कवर कर दे रहे हैं, लो टू मीडियम रखें। देखिए अच्छे से भुना रहा है, प्याज बिल्कुल गल रहा है अच्छे से, तेल भी सेपरेट हो रहा है। देखिए अच्छे से प्याज बिल्कुल गल रहा है। अब इसमें हम लोग इसमें डालेंगे एक चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसको भी हम लोग मिक्स कर देंगे। और हम लोग बीच बीच में बराबर चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला और प्याज कुकर में चिपके नहीं। अच्छे से नीचे से निकालते हुए, देखिए बिल्कुल नहीं लगा है, देखिए देखिए बिल्कुल चिपका नहीं है। इसलिए हम लोग आराम से इसको चलाएंगे नीचे से लेकर के मिलाते हुए, ताकि हमारा मसाला और प्याज चिपके नहीं बीच में। इसको अच्छे से हम लोग मिलाएंगे और अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारा ग्रेवी प्याज का तैयार हो जाए, तब तक इसमें पानी डालेंगे। ये तेल सेपरेट हो चुका है अच्छे से, देखिए इस तरह से तेल सेपरेट हो जाएगा। तब हम लोग इसमें पानी का यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग चना मैरिनेट किए थे। इसमें तो कुछ है नहीं मसाला, लेकिन फिर भी इसी में हम लोग पानी डाल करके इसमें पानी अपनी ग्रेवी के अनुसार डालेंगे। और इसको हम लोग मिक्स करके जितना हम लोग को गाढ़ा रखना है उतना हम लोग गाढ़ा रखेंगे। देखिए इतना हम लोग पानी डाले हैं, 2 गिलास के करीब, ताकि इसमें भी कुक करना है हम लोग को। इसको भी हम लोग को बहुत अच्छे से पकाना है चना को। चना तो कच्चा है, सिर्फ भुनाया है, इसलिए पानी थोड़ा इसमें कम होगा। इसलिए हम लोग थोड़ा पानी ज़्यादा डाले हैं, ताकि अभी बढ़िया से 2-3 सीटी इसमें हम लोग 3 सीटी डाल करके फिर इसको सीम आँच पे कर देंगे, बिल्कुल लो पे कर देंगे, लो टू मीडियम पे, ताकि अच्छे से और 5-10 मिनट कुक हो जाए। फिर हम लोग इसका कवर निकालेंगे। अभी हम लोग कवर कर दे रहे हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अब हम। और बहुत ही बढ़िया बना है, बहुत ही अच्छा खुशबू भी आ रहा है, देखिए बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। और अब हम लोग इसको निकालते हैं, देखिए पत्ता निकाल देते हैं। इस तरीके से बनाइए चना का सब्जी, बिल्कुल अलग टेस्ट आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बना है। इस तरह से बनाइए, बिल्कुल नॉनवेज भूल जाइएगा, और कोई झंझट भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से बनने वाला ये रेसिपी है। अगर रेसिपी आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कैसा लगा हमारा रेसिपी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।